हेलो एवरीवन, सो आज का टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये टॉपिक है ना, इसमें मतलब हार्ट का एनाटॉमी, हार्ट के अंदर कैसे कैसे चीज़ें होते हैं, वेल्स मतलब कौन से आर्टरी कौन से वेन्स कैसे आते हैं, वो सब के बारे में इस चीज़ में दिया है। नोडल सिस्टम के बारे में, हर चीज़ के बारे में ये वाले टॉपिक में दिया है। इसके बाद जो आता है कार्डियक साइकिल आता है। ओके, तो ये चैप्टर में सबसे टफ सब लोगों को यही लगता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसके बाद जो कार्डियक साइकिल आता है ये वाला, क्योंकि इमेजिनेशन पावर है ना बहुत कम होती है लोगों की, तो इसके वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, तो हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम NCERT से पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना चाहता हूँ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन से चीज़ें आते हैं, मेन थिंग क्या है, हार्ट। अपनी बॉडी का जो भी सेल है, अपनी बॉडी में जो भी सेल है उसको क्या चाहिए, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो भी चालू करेंगे हम जीरो से, भाई कोई भी वीडियो देख रहा है अपना तो उसको जीरो से मतलब, तो कोई भी सेल है तो कोई भी सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, सब कुछ चाहिए भाई। ओके, इसके बदले वो क्या देगा, CO2। इसको यूज़ करके वो CO2 निकाल के बाहर फेंक देगा कचरा। ओके, जैसे हम खाते हैं डाइजेशन अपने बॉडी के लिए, खाना वाना खाते हैं, खाने के बाद हम जो अननेसेसरी थिंग्स है वो हम स्टूल की तरह, फीकल मैटर की तरह हम रिलीज़ कर देते हैं बाकी, तो अपनी सेल भी वैसा ही है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स ये सारे चीज़ें लेगा और बदले में CO2 रिलीज कर देगा। तो ये सेल्स अपनी बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं, तो उनको ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई कौन करेगा, ब्लड के अंदर RBC है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये सारे बहुत सारे चीज़ें होते हैं ब्लड में, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सारे चीज़ें होते हैं जो सेल को ये ऑक्सीजन ये सब प्रोवाइड करते हैं, RBC ये सब प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये RBC ब्लड तक पहुंचाएगा, ब्लड जो है RBC के अंदर ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन RBC लाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर सेल को देगा, सेल ऑक्सीजन लेगा और CO2 दे देगा। ओके, CO2 ये ऑक्सीजन लेने वाला काम कौन करता है अपनी बॉडी में, लंग्स। लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकाल देते हैं। तो ये जो CO2 है ना, यहाँ जो बना, ये CO2 यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, और ये जो ऑक्सीजन वो कौन, लंग्स लेते हैं। तो लंग्स यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं ऑक्सीजन और डीऑक्सीनेट करने के लिए ब्लड को। ओके, तो ये ब्लड ये ऑक्सीजनेट डीऑक्सीनेट कर तो रहा है, लंग्स ऑक्सीजनेट डीऑक्सीनेट कर तो रहा है ब्लड को, और अपना RBC जो है हर सेल को ब्लड मतलब ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स ये सब पहुंचा तो रहा है ब्लड। बट ये हार्ट का क्या काम है, ये ब्लड को अगर ये हार्ट ना रहे ना, ये कुछ काम के नहीं है। ये जो ब्लड को हर जगह घुमाने वाला काम कौन करता है, अपना हार्ट। हार्ट एक मोटर है, अपना घर है। थोड़ा डिटेल में लूँगा मैं, अपना घर है, घर ये 3 माले का घर है। ओके, यहाँ पे बड़ी सी टंकी है, इसके अंदर पानी है। ओके, तो ये पानी के, ये जो टंकी का जो नल है, बोरिंग का रहता है, बोरिंग नीचे होता है धरती के अंदर, बोरिंग हाँ। तो ये 3 माले के जो घर है, यहाँ से पानी लेंगे, पानी ऊपर अंडर ग्रेविटी ऊपर तक पानी जाना चाहिए, और यहाँ से तो नीचे आराम से पानी ये तीनों वाले यूज़ कर ही लेंगे, पानी ऐसे नीचे वाला पाइप होता है, ये लोग ये तीनों घर यूज़ करेंगे। बट ये जो अंडर वाटर का जो पानी ऊपर तक जाएगा कैसे, मोटर खींचेगा पानी को, खींच के ऊपर तक ले जाएगा, और अगर ये मोटर ही नहीं रहेगा तो पानी वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, हमें पानी मिलेगा ही नहीं। तो अपना हार्ट भी यही काम करता है, एग्जैक्टली यही काम करता है अपनी बॉडी में। ओके, अपनी बॉडी में हार्ट क्या पंप करता रहता है हर बार 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 पंप करता रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है ताकि सेल्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए और वो ऑक्सीजन वो सारे चीज़ ले, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी साथ में पंप करता है ताकि वो लंग्स तक पहुँचे और उसको ऑक्सीजनेट करके फिर वापस पहुँचे। ओके, तो हार्ट का ये इतना बड़ा रोल है अपनी बॉडी में, तो इसीलिए हार्ट के डिजीज़ जो होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, थोड़ा भी मतलब इधर उधर हुआ तो पेशेंट टपक जाता है। ओके, तो ये हुआ बेसिक। तो अपनी बॉडी में कितने हार्ट हैं, ऑब्वियसली एक ही हार्ट, एक ही दिल होता है सबका, और वही दिल बार बार टूटता रहता है। ओके, तो बट ऐसे मतलब बात किया जाए, हार्ट का फंक्शन क्या है, हार्ट मतलब ब्लड को पंप करता है। तो अपनी बॉडी में एक और हार्ट है जो पंप करता है ब्लड को, वो हार्ट वो भी वन टाइप ऑफ मसल है। अपने हार्ट क्या है भाई, अपने हार्ट क्या है, मसल है। हार्ट मसल कैसा होता है, कार्डियक मसल होते हैं,
एनसीईआरटी हम बाद में देखेंगे, पहले जो भी मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। ओके, मल्टी न्यूक्लेटेड होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं कार्डियक टिश्यू में, ये तुम टिश्यू सिस्टम में पढ़ोगे। ओके, उसमें उस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा। तो कार्डियक टिश्यू, ये कार्डियक टिश्यू है, इसके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करते हैं वो बताऊंगा बाद में। ओके, अभी बताऊंगा तो ऊपर से जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते। ओके, तो ये अपना हार्ट का टिश्यू है। तो अपनी बॉडी में एक और हार्ट है, अपने पूरे हार्ट में ये टिश्यू से भरा है, ये हार्ट है अपना। ओके, और एक और हार्ट है अपनी बॉडी में, वो कहाँ है पता है? अपने ऐसे पैर होता है ना, पैर पीछे से, पीछे के साइड से, गलत बन गया, पैर ये आगे की तरफ हो, आगे की तरफ, पीछे की तरफ जो मोटा से बाहर बल्ज आउट होके आते हैं ना, यहाँ पे ये कौन सा मसल होता है? सोलियास, सोलियास मसल, स्पेलिंग गलत होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, सोलियास मसल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोलियास मसल। ओके, तो सोलियास मसल वो क्या करता है, यहाँ पे एक वेन होता है। ओके, वेन, तो अपन सोच सकते हैं कि ब्लड हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, खींच तो नहीं रहा ना ब्लड को, पंप कर रहा है। जो ब्लड आएगा ऊपर का ब्लड आसानी से नीचे तक आ जाएगा, पर नीचे का जो पैरों का जो ब्लड है वो ऊपर तक कैसे आएगा? ओके, जो गैंग्रीन जो होता है ना, गैंग्रीन मतलब क्या हो जाता है कि पैर, ये पैर एक जगह पे पूरा काला काला हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है, उसको हम गैंग्रीन बोलते हैं। ओके, तो गैंग्रीन क्यों नीचे लोअर में क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई ना, अगर प्रॉब्लम गैंग्रीन बनता क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, वो पैर में ही, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब पैरों में, लेग्स में क्यों ज़्यादा देखने को मिलता है? क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है कुछ ऐसे प्रॉब्लम होने की वजह से। ओके, तो इसीलिए, तो नीचे तक ब्लड, नीचे से नीचे का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ऊपर तक खींचता कौन है, लेकर कौन आता है? अंडर ग्रेविटी काम कर रहा है, कुछ ना कुछ तो मोटर चाहिए। तो ये जो सोलियास मसल जो है ना, वो जो यहाँ पे वेन होता है, वेन में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ओके, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड, तो जो रेड कलर वाला जो ऑक्सीनेटेड आर्टरी जो है, आर्टरी में ऑक्सीनेटेड ब्लड, ध्यान से सुनो, आर्टरी में लिख देता हूँ, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड, और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, ये रट लो, अभी जो रेड कलर से मार्क किया वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, वेन जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड करता है। ओके, जो अब ये जो आर्टरी, तो ब्लड नीचे आराम से लेकर आई जाएगी, बट ऊपर ब्लड ले जाना बहुत मुश्किल वाला काम है। और वेन में क्या होता है ना, वेन में कुछ ऐसे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, वेल्स होते हैं, ब्लड ऊपर गया तो वापस नीचे आ ही नहीं सकता, तो ये मसल जो है ना ऊपर ऐसे पुश करते हैं ब्लड को, ये मसल पुश करने वाला काम कर रहा है, पंप ही कर रही है ना ऊपर से, नीचे का जो ब्लड है ऊपर पंप कर रही है, तो वो हुआ, ये भी वन टाइप ऑफ हार्ट, वैसे बोलते हैं साइंटिस्ट, इसीलिए तो थोड़ा इंटरेस्ट बना के रखने के लिए मैंने ये चीज़ बताई है। तो ये तो जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, एनाटॉमी में आएगी तो आएगी एनाटॉमी में। ओके, तो अब हम हार्ट के बारे में देख लिया बेसिक चीज़ें, अब हम हार्ट के एनाटॉमी को पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी पढ़ने से पहले हम हार्ट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार। ओके, हार्ट में क्या होते हैं, सॉरी ये गलत वाला हार्ट बन गया, अरे ये हुआ हार्ट, ये थोड़ा मैंने टिल्टेड क्यों बनाया, क्योंकि हार्ट जो है लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। ओके, थोड़ा डायग्राम अजीब लग रहा है, आई एम सॉरी, रफ डायग्राम मैं बनाऊंगा बाद में। ओके, तो ये हुआ राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम जो छोटे होते हैं साइज में, छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू द वेंट्रिकल्स, और ये जो दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, ये क्या होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। ओके, मैं बनाऊंगा और अच्छे से डायग्राम में बनाऊंगा। ओके, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चार वेंट्रिकल्स हुए, ब्लड इधर से इधर से इधर से आता रहता है। ओके, वो मैं डिस्कस करूंगा आगे। ओके, तो ये हुआ अपना हार्ट, बेसिक हार्ट। तो हार्ट ब्लड जो है यहाँ से आता है, ये वेना कावा, कहाँ आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड अपने जगह ऊपर वाला, इसको बोलते हैं सुपीरियर
सुपीरियर वेना केवा और इसको इन्फीरियर, इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर मतलब ऊपर वाला वेन, इन्फीरियर मतलब नीचे वाला। तो ये अपनी बॉडी का जो भी ऊपर वाला पार्ट है, ब्रेन का, अपर लिम्स, हाथों के ऊपर पार्ट, चेस्ट का, ओके, ये सब ब्लड एब्डोमेन का वो कौन लेके आता है? ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ओके, ब्लू कलर से बना है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो भी ऊपर नीचे के जो भी ऊपर के जो भी पार्ट है, ऊपर के जो भी पार्ट का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा लेगा, ओके। अब इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया है, इसको ऑक्सीनेट करना है। एक ही ब्लड को हम ऑक्सीनेट भी कर रहे हैं, डीऑक्सीनेट करके वापस वापस एक ही ब्लड को हम यूज कर रहे हैं, ओके। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसमें आया और सॉरी इन्फीरियर वेना कावा क्या करता है, नीचे के जो पार्ट है ना, लेग्स, एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल, पेल्विक रीजन के जो भी, वो वहाँ का ब्लड इन्फीरियर वेना कावा लेता है। इसीलिए सुपीरियर वेना कावा ऊपर वाले पार्ट का लेगा, इन्फीरियर वेना कावा नीचे वाला पार्ट का। इसे दो है और ये दोनों डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऊपर से आएगा और यहाँ नीचे से यहाँ आएगा, आके कहाँ आ जाएंगे अपने राइट एट्रियम में। ध्यान से सुनो, डीऑक्सीनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ आता है? राइट एट्रियम में, ओके, कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। हम ये तो बेसिक ब्रीफ लेंगे ना, इसके बाद हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ओके। तो ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, इन्फीरियर जो है नीचे का जो भी ब्लड है ऊपर तक लेके आके राइट एट्रियम में डाल, दोनों राइट एट्रियम में डालेंगे, ओके। अब हम ऑक्सीनेटेड ब्लड की बात करते हैं, तो ये ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम में आ गया, ओके। अब हम जो लेफ्ट एट्रियम की बात करते हैं, लेफ्ट एट्रियम में अब एक और मैं बनाता हूँ आर्टरी, रेड कलर वाला बड़ा वाला, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से ब्लड जा रहा है, इसको एरोटा बोलते हैं, एरोटा, ये इसको मैं मिटा देता हूँ, ओके, ये एरोटा है। तो अपना जो राइट सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड पंप करके एरोटा में भेजता है ब्लड, और ये एरोटा कहाँ जाता है? एरोटा अपने बॉडी के हर पार्ट को ब्लड देकर आता है, अपनी बॉडी के हर पार्ट को ब्लड देगा, अपने बॉडी का हर एक पार्ट उसको ब्लड को यूज़ करेगा, ऑक्सीजन को यूज़ करके डीऑक्सीनेटेड ब्लड छोड़ेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस सुपीरियर वेना कावा ये दोनों लेकर आएंगे, राइट एट्रियम में डालेंगे, ओके। ये राइट एट्रियम रिलीज नहीं कर रहा है, राइट एट्रियम रिलीज नहीं कर रहा है, ये वेंट्रिकल रिलीज कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलीज कर रहा है। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, ऑल क्लियर, ओके, ओके। तो राइट एट्रियम में ब्लड सुपीरियर वेना कावा लेकर आ रहा है बॉडी पार्ट्स के पास, और राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम, ध्यान सुनो, लेफ्ट एट्रियम के पास ब्लड कौन लेकर आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम के पास ब्लड कौन लेकर आ रहा है? लंग्स, लंग्स के पास से ब्लड इधर आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन। अब देखो तुमको बताता हूँ पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है। पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी मतलब जो सॉरी पल्मोनरी वेन मतलब वेन, तुमको वेन याद आते क्या आएगा? वेन में भाई डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, बट जहां पे पल्मोनरी वर्ड या आ गया, पल्मोनरी मतलब पल्मोनरी वर्ड रिलेटेड टू द लंग्स, पल्मोनोलॉजी, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स के बारे में स्पेशलिस्ट बनते ना, उसको हम पल्मोनोलॉजी बोलते हैं, पल्मोनोलॉजी। तो जो भी चीज़ें लंग्स के साथ रिलेटेड है, पल्मोनरी, तो वो लंग्स के साथ है, ओके। तो लंग्स के साथ, लंग्स से जो भी वेन निकल के आ रहा है, लंग्स के साथ जो वेन निकल के आ रहा है, तो लंग्स क्या करेगा? लंग्स जो है, लंग्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स के पास कौन देगा? ये वाला देगा, ये जो ब्लड वेन्स वेंट्रिकल्स में जाएगा, वेंट्रिकल्स पुश करके वो जो ब्लड जो है लंग्स के पास भेजेंगे, ओके। तो लंग्स के पास भेजने के बाद वो लंग्स क्या करेंगे? पल्मोनरी वेन के थ्रू वो डीऑक्सीनेट करेंगे, ऑक्सीजनेट करके पल्मोनरी वेन के थ्रू वो वापस ब्लड को भेजेंगे राइट एट्रियम में, ओके। ये जो है वो एट्रियम से नहीं निकल रहा है, एट्रियम वेंट्रिकल से निकल रहा है, ओके। ये डायग्राम से कंफ्यूज मत हो, ओके। तो ये एरोटा निकल रहा है, तो ये पल्मोनरी वेन जो है आकर पल्मोनरी वेन राइट एट्रियम में सॉरी लेफ्ट एट्रियम में अपना ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज कर देगा, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाकर पुश करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल किस में पुश करेगा? एरोटा में पुश करेगा, ओके।
समझ आया? ओके, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पल्मरी आर्टरी, पल्मरी वेन और सॉरी पल्मरी आर्टरी। तो इससे क्या पता, पल्मरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ब्लड। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग पार्ट है। नॉर्मल अपनी बॉडी में जितने भी वेन्स है ना, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट पल्मरी जब वर्ड आ जाती है तब वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। और पल्मरी आर्टरी रिवर्स, उसके उसके रिवर्स है। पल्मरी आर्टरी, आर्टरी में नॉर्मली अपनी बॉडी में कौन से ब्लड फ्लो करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, बट पल्मरी वर्ड जैसे ही ऐड हो जाता है वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ब्लड फ्लो करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ये हुई बेसिक, दिस इज द बेसिक ब्रीफ। वापस एक बार समझाता हूँ, ब्लड अपनी बॉडी की जो भी ब्लड है, ओके, अपनी बॉडी का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सेल्स ने जो यूज किया है जिसमें CO2 है, वो सब सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा लेकर आएंगे। कहाँ देंगे? राइट एट्रियम में देंगे। ओके, राइट एट्रियम से, वो मैं चार्ट लिखवाऊंगा बाद में। ओके, राइट एट्रियम से वो कहाँ भेजेंगे? उसके साथ लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में भेजेंगे। ओके, राइट वेंट्रिकल जो है पल्मरी आर्टरी, यहाँ पे पल्मरी आर्टरी होते हैं, पल्मरी आर्टरी और यहाँ पे पल्मनरी वेन होते हैं। आर्टरी देखो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, क्यों? इसमें पल्मरी आर्टरी जो है ये जाकर लंग्स के साथ कनेक्टेड है। ओके, ये जाकर लंग्स के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए मैं इसे ब्लू कलर से बनाया। ओके, ये लंग्स, ये जो है जाकर लंग्स के साथ कनेक्टेड है। ओके, लंग्स के साथ कनेक्टेड है। ओके, और लंग से एक और चीज आती है, यहाँ पे यही बना दिया, थोड़ा यहाँ पे और बना देता हूँ। तो ये जो है पल्मरी वेन, पल्मरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मरी वेन भी जाकर इसके साथ ही कनेक्टेड है। ओके, लंग्स और हार्ट दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो भी ब्लड आ रहा है अपनी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल का काम क्या है? वो पंप करेगा, सिस्टोल करेगा, पंप करेगा, पंप करके ब्लड जो है वो अपना जो है पल्मरी आर्टरी यहाँ से अपने लंग्स के पास भेजेगा, लंग्स क्या करेगा? हम ऑक्सीजन लेंगे, जैसे ही ऑक्सीजन लेंगे ऑक्सीजनेटेड हो गया, ये जो ब्लड इसके अंदर आया वो ऑक्सीजनेट हो गया, ऑक्सीजनेट होकर ये पल्मनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में। ओके, ध्यान से सुनो, लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा? ब्लड को वेंट्रिकल में भेजेगा, कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? फिर पंप करेगा, ये ब्लड जो है एरोटा में जाएगा। और एरोटा का काम क्या है? जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अपनी बॉडी को हर जगह सप्लाई करता है। ओके, बहुत सारे आर्टरी होते हैं, ऐसे एकदम अपने पतंग का दौर हो जाए, उत्तरायण के टाइम पे कैसे हो जाता है कि बहुत सारे धागे ऐसे जो गुजुड़ हो जाते हैं, वैसा अपनी बॉडी में हर जगह आर्टरीज प्रेजेंट ही है। तो ये सबसे पहले एरोटा भेजता है। एरोटा के भी तीन पार्ट होते हैं, एसेंडिंग एरोटा, एरोटा डिसेंडिंग एरोटा, ऐसा होता है। ये तुम्हें अभी जस्ट ये सिर्फ जस्ट एक ओवरव्यू है, ये बहुत कन्फ्यूजिंग पार्ट है, ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, इसीलिए मैं ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। ओके, ये मैं स्टार्टिंग में ये चीज़ बता दी। अब हम जाके एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कौन से वेल्स होते हैं, हार्ट एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड कहाँ होता है, हार्ट का साइज क्या है, हार्ट क्या काम करता है, हार्ट के अंदर नोडल टिश्यू कौन से होते हैं, वेल्स कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, कार्डियक साइकिल, ये हम बहुत ईजी हो जाएगा। ये इसीलिए मैंने 20 मिनट्स इसीलिए इस चीज़ के लिए लिया, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये कंसेप्ट है। ओके, मैं स्टार्टिंग में कंसेप्ट बता दो, फिर जाके हम बुक पे कूदेंगे। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट, ध्यान से सुनो, अगर वीडियो नहीं समझ आया तो एक और बार देखो, पीछे रिवाइंड करके एक एक वर्ड पे ध्यान दो, जो भी मैंने डायग्राम से मैंने सारे चीज़ें समझाई है समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।